जानता हूँ आप सब सहाफ़ी अपने चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बहुत बेताब हैं, मगर मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि पहले मेरे जवाब को अच्छे से सुन लें, फिर उसके हिसाब से जो भी रिपोर्टिंग करनी हो आप लोग कर सकते हैं। आप सवाल पूछें प्लीज़। शामिर साहब, आपने पार्टी ज्वाइन करते ही अपने ससुर की तरक्की करवाई थी, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके चंद दिनों बाद ही उनके यहाँ से रिश्वत की रकम बरामद हुई थी, तो क्या आज आप उसकी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल कह सकती हैं कि एक दामाद ने अपने ससुर को तरक्की दी, एक पोजीशन दिलवाई, उनको बेनिफिट दिया, लेकिन ये भी सच है कि सुलेमान अहमद ने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत सिंसेरिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ गुजारी है। उनके कैरेक्टर पे एक भी दाग नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अच्छाई के या भलाई के रास्ते पे जितना भी ऊंचा चले जाए, फरिश्तों के मनसब कभी भी नहीं आ सकता। तो मैंने ज़ुबैदा सिकंदर की पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से ये फैसला किया है कि हम सुलेमान अहमद से, मैं या मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर उनको फेवर नहीं देगा, ना उनसे कॉन्टैक्ट करेगा। हम ये फैसला मेरिट पर छोड़ते हैं। जो फैसला कोर्ट करेगी हमें एक्सेप्टेबल होगा। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूँ सौ जन्म मैं, चाहे हो जो